जी तो मुझे क्यों नहीं बताया, अनजाने में क्यों रखा? मुझे तो खुद थोड़े दिन पहले ही पता चला है, मुझे इल्म नहीं था इस बात का और मैं ये सोची थी आप न जाने किस तरह रिएक्ट करेंगे। तुम्हारा बेटा तो वैसे ही बदगुमान रहता ही है मुझसे। आपने भी तो उसकी बदगुमानी दूर करने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कहा ये बच्चा, ये रायान किस पर चल रहा तो कैसे कह सकते? आप ही है मेरे खुदाया, तुम्हारा बस चले ना, तुम तो रोशनी की अजमत और इज्जत का तावीज बनाकर अपने गले में लटका के फिरो, लेकिन हम लोग इतने बेगैरत नहीं है। इस फसाद की जड़ को तो मैं खत्म करवा के रहूंगी। आपने जो करना है ना आप कीजिए, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इस बच्चे के साथ? बाप हूं मैं उसका। ये बच्चा मेरा है और मैं इसका बाप हूं। क्या क्या कहा तुमने? हाँ सच है ये। क्या क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है तुम्हारी इस लड़की के साथ? बीवी है मेरी। और मैंने इज्जत और एहतराम के साथ इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया है। अगर आप में से किसी ने भी मेरी बीवी या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत और एहतराम के साथ इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया है। दादाजान, I'm sorry. दादाजान प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। यकीन करें मुझे मौका ही नहीं मिला, वरना मैं आपको जरूर बताता। दादाजान प्लीज ऐसे ना करें, मुझे मारे, गुस्सा करे मेरे ऊपर, लेकिन ऐसे चुप मत रहे प्लीज, कुछ तो कहे। कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? अपनी जिंदगी के सारे बड़े फैसले तो तुमने खुद से कर लिए। ऐसा नहीं है दादाजान, बस उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे और फिर चची जान जाते जाते इतनी बड़ी ख्वाहिश करके मैं कैसे टालता उनको। प्लीज दादाजान आप नाराज मत हो। तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, दुखी जरूर हूं कि तुमने मेरे फैसले खुद ही कर लिए,
नाराज तो मैं अपने आप से हूं, मैं अपनी अदा, अपने बड़ेपन, अपनी शान शौकत में इतना गुम हो गया कि मुझे अपनी औलाद की खुशी का भी एहसास दे रहा। मैं जान ही नहीं सका कि रोशनी तुम्हारी ख्वाहिश है। दादाजान प्लीज प्लीज ऐसे ना कहें, मुझे मुझे दुख हो रहा है। तुमने रानिया के बारे में सोचा? उसे कितना दुख हुआ होगा, कितनी हर्ट हुई है। रोशनी को हर्ट करके ही मैंने रानिया से शादी की थी दादाजान। जब रोशनी इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, क्या रानिया नहीं दे सकती? ठीक कह रहे हो तुम, मगर सफिया की बेटी से इतने जर्फ की तवक्को नहीं की जा सकती।